Assalamu alaikum students, yesterday we read the first page of the new chapter Forces and Machines. Okay, today we are going to learn about what is force and we are going to explain it with different examples. So what is force? The effort, mehnat, okay, the force, jo aap zor laga rahe ho. ठीक है, द एफर्ट मेड टू पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट, द एफर्ट मेड टू पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, ये देखें, यहाँ पे मैं इसको आगे की तरफ पुश कर रही हूँ ना, ठीक है, ये खुद ब खुद तो नहीं ना आगे जा सकती, आपको इसे पुश करना होगा तभी ये आगे मूव करेगी. ठीक है, तो इस एफर्ट को, जो मेहनत जो इस पर मैं जोर लगा के इसको आगे कर रही हूँ, उसको आप फोर्स कहते हो. ठीक है, कि मैं इसको पुश कर रही हूँ, मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ तभी ये आगे मूव करे. इसके अलावा पुल मतलब अपनी तरफ खींचना. ठीक है, इसको पुल करना, अगर मैं इसको अपनी तरफ भी खींचूंगी, ठीक है, तो भी तो मुझे इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे इसको मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर फोर्स लगा के इसको पीछे खींचना होगा. तो ये है आपका पुश एंड पुल, किसी चीज़ को पुश करना हो. ठीक है, जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पे ट्रॉली लेते हो ना, ठीक है, तो आप उसको पुश करके आगे लेके जाते हो, उसमें चीज़ें रखते जाते हो और उसको पुश करके आगे लेते जाते हो. इसी तरह पुल है, कोई भी डोर है, कहीं पे आपने एंटर होना हो तो उस डोर के ऊपर, ग्लास डोर के ऊपर लिखा होता है ना, पुश और पुल. ठीक है, अगर पुल लिखा हो तो आप अपनी तरफ खींचते हो, अगर पुश हो तो आप डोर को पुश करते हो और वो ओपन हो जाता है. ठीक है, तो ये पुश एंड पुल, इस पे जो आप एफर्ट करते हो ना पुश एंड पुल करने के लिए किसी चीज़ को, उसको आप कहते हैं फोर्स. द एफर्ट मेड टू पुश एंड पुल.